हम लोग नानू का एक प्रैंक कर रहे हैं। हमने बोला है कि हमने सबवे मंगाया बट सबवे आया नहीं है, और ऑर्डर ही नहीं किया तो आएगा कहाँ से। तो हम लोग कर रहे हैं प्रैंक। अब इस प्रैंक को हम करेंगे चोरी चोरी शूट। वीर तो शायद सो गया। ये पैकेट है, इसको मैं दिखाऊंगा कि मैंने इसमें सबवे मंगाया। सो गए दोनों है? सो नहीं, सो दोनों सो गए। अभी नानू भी सो गए क्या? अरे मैं सो गया था। हैं? आएगा तू? ठीक है। पप्पे अभी आए ना? तू कितना मंगवाया? लेकिन आपने अपने लिए सैलेड और मेरे लिए वो बनाया ना? अरे तो जब दो ही है तो कैसे खिलाओगे भाई? वीर अभी वैसे नहीं सो रहा। पापा नहीं, कितना है मेरे लिए और आपके लिए? तो है इनको नहीं देना, इनको नहीं देना। इन्होंने खाना खा लिया, हमने तो जान मुझके कम खाया ना। अरे बहुत बड़ा पैकेट मंगाया। पापा रहने दो यार, मेरे को खाना है, मैं और आप खाएंगे। चल बैठ जा। अरे बैठ जा। कर दिया, मैं आपका फोन अपडेट कर रहा हूँ। हो रहा है आपका वो फोन? बोला मेरे फोन के साथ छिड़का नहीं मत करा कर यार। आपने तो बोला था, आपने ही तो बोला था। अरे टीना प्लेट प्लेट दे दे। कौन सा वाला खाएगा? अरे ये तो क्या दे दिया? अरे आपने उसका रैपर दे दिया, मेन चीज। अरे रुको रुको, प्लेट तो लो, प्लेटें तो लो। अरे चाय के पास है। आगे वीर वैसे पनीर वाला मेरा है, मैंने देना पनीर वाला यार। नहीं 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 पापा, पनीर वाला मेरा है, किसी को नहीं देना। इनकी बात कब हुई थी आने की सब्बे की? है? इनकी बात तो हुई नहीं थी ना, बात तो हमारी हुई थी खाने की। अरे ठीक है ना, बच्चे हैं ना, आने दे थोड़ा सा। भाई बच्चे के बड़ा पैकेट कौन खाएगा? तू और मैं अकेले खाएंगे ना, तू खाएगी क्या? वीर तू खाएगा? चल उसको नहीं खाना, इसको खाने दे। चल तू खा ले रे, ये सब्बे है। हाँ रहन दे बेटा, रहन दे। चल ना वीर जो है, वीर भी आ गया। लेकिन वीर ने क्या देखा? तेरे हाथ में कैमरा देखा, तो इसके लिए उसने मना कर दिया। वो तो मैंने जानबूझ के घंटी बजाई, दरवाजा खोला प्रैंक करने के लिए। इतना प्रैंक किया यार, यार ऐसा प्रैंक करता है। कैसा करते हैं फिर प्रैंक? प्रैंक किया यार। मजा आ गया ना, अब नींद आएगी क्या? और इस प्रैंक में मेरा साथ दिया आधी रात। और इस प्रैंक में साथ दिया टीना ने भी। टीना ने भी साथ दिया। हम सब मिले हुए थे, हम सब। तेरे को और वीर को करने के लिए। देखो वीर को प्रैंक करने के लिए। दिस इज फेयर, दिस इज फेयर। दोनों को किसने?
वीर को तो पता चल गया था मुझे लग रहा नहीं, टॉयलेट तक उसको पता नहीं चला था, लेकिन जैसे टॉयलेट से यहाँ आए जब तेरा देखा तब उसको आइडिया लग गया ना। अब क्या करेगा तू प्रैंक, कितना बड़ा पोपट हो गया तेरा पोपट। और दादी ने उसको बता दिया कि प्रैंक झूठ बोल रहे हैं, फिर भी उसको समझ में नहीं आया। और दादी ने बताया ना तेरे को क्या? कि झूठ बोल रहे हैं। कौन? ताऊ जी। ऐसा अभी पूछता हूँ दादी। आपने नानू को वीर को बता दिया ना कि हम प्रैंक कर रहे हैं? थैला वाला दिखाया मैंने, थैला वाला दिखाया, घंटी बजाई, इनको लगा कि सच में आ गए, बाहर आ रहे टॉयलेट करने के लिए, देख रहे और जब इनको बैठाया तो उनको दूध की थैली और ये सब पकड़ा दिया, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर का मतलब। यस 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 यस। रोटी खाने के लिए इनके पेट में जगह नहीं थी, रोटी सब्जी खाने के लिए, लेकिन सबवे खाने के लिए इनके पेट में, सबवे खाने के लिए ये दोनों के दोनों उठ गए, सबवे खाने के लिए ये दोनों के दोनों उठ गए। अरे रहने दे। तो ये हुई हमारे वीडियो की शुरुआत, इस ब्लॉग की शुरुआत, से बने रहिए हमारे साथ। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अभी आपने जो व्लॉग देखा वो रात का शूट किया हुआ था, और उसके पीछे क्या रीज़न था मैं आपको बताता हूँ, और वो कैसे अचानक प्लान बन गया। प्लान ऐसे बना कि मेरा मिल्क ख़त्म हो गया था, मेरे को प्रोटीन लेना, तो मिल्क ख़त्म हो गया था, रात को 9:30 बज रहे थे, तो हमने सोचा कौन जाएगा, तो ऐसे ठीक है मैं एक काम करता हूँ, सबवे से अपने लिए सैलड मंगा लेता हूँ। तो वो सैलड वगैरह मनाने के लिए मैं ऐसे ऐप ऐप में गया, तो बच्चे भी वहीं बैठे थे, तो उनको लगा कि सच में मंगा रहे हैं, तो फिर मैंने एक शरारा सूची, मैंने कहा हाँ वो आ रहा है, अभी आएगा तो देखते हैं। तो उसके बाद मैंने अपना दाल वगैरह पीली वगैरह, एंड जब बच्चे सोने के लिए गए तो आदि ने बोला पापा एक काम करते हैं, प्रैंक करते हैं। हमने कहा चलो क्या करना है, तो हमने फिर प्रैंक प्लान किया, और प्रैंक प्लान में ये फंस गया, हमने खुद ही डोर बेल बजाई, खुद ही उसको थैंक यू बोला, और एक पैकेट कोइंसिडेंटली ब्राउन का मिल गया था हमें, जो हमने यूज़ किया, क्योंकि सबवे का जो ब्राउन कलर का, जो बेसिकली जो बाहर से अगर फूड मंगाओ तो मैक्सिमम टाइम आपको ब्राउन कलर के एनवलप्स में, बॉक्स एनवलप्स में आता है, तो हमने उसी बेसिस पे प्लान कर लिया, तो अच्छा रहा, कभी कभी ऐसी मस्ती भी होनी चाहिए। और आज बन रहा है मेरा सबसे फेवरेट जो है सूजी का हलवा, हालांकि मैं जिम कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी यू नो अपनी जो फेवरेट चीज़ है उसको कर लेना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, मन नहीं मारना चाहिए। तो आज टीना सूजी का हलवा बना रही है, जो काफ़ी दिन से पेंडिंग था, तो आज ब्रेकफास्ट में हम सूजी का हलवा खाएंगे, और चलिए देखते हैं उसकी प्रिपरेशन कैसे बना रही है टीना। तो ये मेरा सूजी का हलवा बनना तैयार हो गया, ये केसर भात जैसा तो नहीं बनेगा क्योंकि केसर है नहीं हमारे पास, है ना, तो ये सूजी का हलवा है, केसर भात थोड़ी। हाँ तो उस दिन हमने देखा था तो सेम ही बना था ना, उसके लिए दूसरी चीज चाहिए। बट ये कुछ भी बोलो, सूजी का हलवा अपने आप में एक अच्छा लगता है, थोड़ा सी खाओ लेकिन अच्छा लगता है। और ये है हमारी फीकी चाय, और मुंबई की चाय। ये पानी गर्म हो रहा है, इसमें चीनी डाल दी क्या? अब डालेंगे, और फिर इसको पानी को इसमें डालेंगे सूजी के लिए। ये देखिए ऊपर के बादल जबरदस्त हो रखे हैं, आँखों में मेरे धूप लग रही है, बट सुहाना मौसम है, सुबह तक ठीक था, अभी अचानक से थोड़ी सी बारिश आई है, बादल आए हैं, तो अब ये रिमझिम तो चलती रहेगी यहाँ। और ये टीना अपने अंदाजे से, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से वो चीनी डालती है, ऐसा नहीं कि आपको 2 चम्मच 4 चम्मच 5 चम्मच डालना है, ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता है। और मुझे अभी भी याद है जब टीना शादी होके पहली बार आई थी, तो उसको आइडिया नहीं था कि सूजी का हलवा कैसे बनता है, तो हमारी मामी है आशा मामी, जो मेरठ में रहती है और मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई है, उन्होंने उनको हेल्प की थी, है ना टीना, मामी ने हेल्प किया था ना तेरे को, उन्होंने ही पूरा बनाया था, मामी ने ही पूरा बनाया था, नई नई दुल्हन के साथ नॉर्मली ऐसा होता है। तो थैंक यू मामी जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू फ्रॉम टीना साइड, टीना की तरफ से थैंक यू। और इसका तो कल पोपट हो गया, पोपट ये ओ पानी डल गया, मीठा पानी कहेंगे तो,
जगह बोल बोले देखो कैसे वो उठ रहे हैं, हाथ में भी लग रहे हैं मेरे। बस अब इसको आप अपने हिसाब से बना लो, थोड़ा देर पकाने के बाद इसको पतली बनाने पतली बना लो, गाढ़ी बनाने गाढ़ी बना लो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट इट। ये देखिए ऑलमोस्ट बन गया, छींटे आ रहे हैं, बुलबुले उठ रहे हैं। तो ये हमारा सूजी का हलवा तैयार हो गया और इसको खाने का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसका तरीका क्या है कि अभी जैसे ये देख रहे हो आप, ये गर्म है तो इसको हम कैसे खाते हैं, इसको हम खाते हैं ये जो गरम है इसको हम कैसे खाते हैं, इसको हम ऐसे साइड से ऐसे खाते हैं ऐसे। तो जब साइड से खाओगे तो आपको गरम नहीं लगेगा, ये इसका खाने का तरीका है। तो एंजॉय कीजिए। होपफुली जो बोलना तेरे को तू बोल। तो होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, पापा ने हमारे साथ बहुत अच्छा प्रैंक किया। तो अभी व्लॉग को ही एंड करते हैं। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।